आज सुबह गोवा के मेयर एक गंदे नाले में जा गिरे। दरअसल मेयर नालों को साफ करने वाली डीवीडिंग मशीन में सवार थे, उनके साथ दो पत्रकार भी थे, लेकिन मशीन जैसे ही किनारे पर पहुंची वैसे ही पलट गई और सभी लोग नाले में गिर पड़े। और कुछ इस तरह गोवा के पणजी के मेयर गंदे नाले में गिर पड़े। आज सुबह मेयर सुरेंद्र फर्टाडो दो जर्नलिस्ट को इस डी वेडिंग मशीन का मुआयना करवा रहे थे। इस मशीन में चार अन्य लोग भी सवार थे। डी वेडिंग मशीन विदेश से मंगवाई गई थी और बरसात में नालों की सफाई नगरपालिका कैसे करवा रही है मेयर इस बारे में पत्रकारों को बताना चाहते थे, लेकिन सारी मेहनत पानी में मिल गई। ये मशीन जैसे ही किनारे पहुंची वैसे ही टकरा कर असंतुलित होने लगी और एक तरफ को झुकने लगी। पीली टी शर्ट पहने मेयर फर्टाडो सबसे आगे थे और पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे। उन्हें आगे क्या होगा इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अचानक किनारे की तरफ मशीन झुकने लगी। अब मशीन में सवार लोगों को अंदाजा हो चला था कि मशीन किसी वक्त भी डूब सकती है, इसलिए नीचे की तरफ झुके तीन लोग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस कोशिश में सिर्फ मेयर कामयाब हो सके। एक पल को मेयर को लगा कि चलो गंदे पानी में गिरने से बाल बाल बचा, लेकिन उनका सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि अगले ही पल ये हो गया। मशीन पूरी तरह से असंतुलित होते हुए पलट गई और गंदे नाले में सभी लोग समा गए। तभी किनारे खड़े लोग बीच बचाव में आगे आए। हालांकि किनारे की तरफ नाला ज्यादा गहरा नहीं था और ना ही वहां कीचड़ थी, इसलिए नाले में समाये लोगों को बाहर निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सभी लोग एक एक कर नाले से बाहर निकल गए। दरअसल डी वेडिंग मशीन में क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो गए थे, इसलिए मशीन असंतुलित होकर पलट गई।